क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2014-17 में चार मार्क्स आया हुआ है, आधे बच्चे तो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे और छोड़ देंगे, और चार मार्क्स का क्वेश्चन है और दो लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा लिखना नहीं है। क्या लिखा है, कोई पीटर है, पीटर नाम का कोई आदमी है, उसने दो डाइस फेंकी एक साथ, तो दो डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं हमें पता है 36, मैंने लिख दिए। रीना है, रीना ने एक डाइस फेंकी, एक डाइस में कितने आउटकम होते हैं 6, मैंने लिख दिए यहां पे। अब क्या कह रहा है, रीना थ्रो हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, मतलब 25 कहां पे आएगा। फिर से पढ़ते हैं, पीटर थ्रो टू डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन। रीना थ्रो अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन। तो देखो 25 कहां आ रहा है, यहां 25 आ रहा है एक केस में, ये आ रहा ना ये, मतलब कितनी 36 केसेस में से एक केस में 25 आ रहा है, और यहां पे कितने में से इसका स्क्वायर कर दो, इसका 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25, तो यहां कितने केसेस मिल रहे हैं टोटल 6 केस, और यहां कितने मिल रहे हैं 36 केस। तो पीटर के आउटकम क्या होंगे, पीटर आउटकम्स या फेवरेबल। तो पीटर के फेवरेबल कितने हुए 1, और टोटल कितने, टोटल केस कितने हैं, टोटल केस 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। रीना पे आ जाओ, रीना टोटल आउटकम कितने हैं, रीना के लिए टोटल आउटकम कितने हैं 1 और सिक्स, टोटल आउटकम कितने हैं 6 और फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं अपने पास 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25 आने की 1/6। अब देखो ध्यान से, हमें पता होना चाहिए एक चीज कि नंबर नीचे जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू ओवरऑल उतनी छोटी होगी। मैथ है सिंपल सा कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा ओवरऑल वो वैल्यू उतनी छोटी, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी होगी, मतलब 1/36 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02 समथिंग, और ये कितना आएगा 1.166, ये चलता रहेगा ऐसे, मतलब इस पे बाहर आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 0.1, और ये क्या है 0.02, तो किसके ज्यादा चांस है स्क्वायर नंबर 25 वाले के, रीना के। हो गया आंसर, बस इतना सा था। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, चार नंबर का क्वेश्चन है, बताना क्या था इसमें, कुछ पूछा है ऐसा लग सा जो बहुत अजीब सा ड्रामा सा लगे। दिक्कत क्या है कि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, हमारे बेसिक फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। बेसिक फंडामेंटल कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, अच्छे से समझ के करोगे, रट के नहीं, पढ़ के नहीं, अच्छे से समझो क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो, उसको लिखो कंडीशन क्या क्या है, फिर सोचो कि कैसे कर सकते हैं, और फिर आंसर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये स्टेप फॉलो करो और आपका आंसर ना आए, ठीक है। तो नोट डाउन करो, ये चार नंबर का क्वेश्चन है, फिर आ सकता है, अगर ऐसा ना आए तो इसी को कंसेप्ट को घुमा के देखा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, और बेखौफ होकर, निडर होकर तैयारी करते रहो, लेक्चर देखो सारे, मैंने पूरे एपी क्वाड्रेटिक हाइट टेन डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री सर्कल सब पढ़ा रखा, और बहुत डेप्थ में पढ़ा है, प्रीवियस ईयर 10 ईयर के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आप जाके देखो प्लेलिस्ट में, आपको सारे मिल जाएंगे। उसके बाहर एक कंसेप्ट रिपीट नहीं हो सकता, मैं गारंटेड बता सकता हूँ, कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा, मैंने सारे कंसेप्ट कवर करवाए, एक बार जाके देखो। जो मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन करो।